हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुनीताज किचन। आज हम चावल का पीठा बनाएंगे बनाना को स्टफ करके। आप इसको नाश्ते में बनाइए, बच्चों को टिफिन बॉक्स में भी आप बना के दे सकते हैं, बहुत टेस्टी बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले हम चावल का आटा तैयार करेंगे, तो इसके लिए एक बोल ले लेंगे और बोल में मैंने यहाँ पर 1 कप चावल का आटा डाल दिया है। और इसी के साथ हम 220 ml जितना पानी लेंगे, 1 कप से थोड़ा कम पानी लेना है हमको, और पूरा डाल देंगे। चावल का आटा को गूंदने के लिए हमें गर्म पानी की ज़रूरत होती है, तो मैंने यहाँ पे गर्म पानी का यूज़ किया है। और मिक्स कर लेंगे, इसको हम कवर करके साइड में रखेंगे, अभी हमें बस मिक्स ही करना है। 5 मिनट के लिए डो को रेस्ट देंगे, जिससे कि थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा और सेट हो जाएगा। और यहाँ पर हम बनाना को कट कर लेंगे, ऐसे बीच से ऐसे चीरा लगाएंगे हम, और इसके बड़े बड़े पीसेस हमको कट करने हैं, ये देखिए ऐसे। और 2 बनाना का यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी, दोनों को हम ऐसे ही कट कर लेंगे। इस तरह बड़े टुकड़ों में कटा हुआ बनाना पीठा में बहुत अच्छा दिखता है। यहाँ पे बनाना को मैंने कट करके तैयार कर लिया है। अब हम और एक स्टफिंग तैयार करेंगे, तो यहाँ पर मैंने 1/2 कप गुड़ ले लिया है ग्रेट करके। इसी के साथ हम 1/2 कप डेसिकेटेड कोकोनट या नारियल का बुरादा डाल देंगे। 1/4 कप जितना टूटी फ्रूटी डालेंगे। 4 काजू को मैंने छोटे टुकड़ों में कट करके ले लिया है, और 3 इलायची को कूट के डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग में आप और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद है। यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है सबको। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। तो यहाँ पे डो हमारा सेट हो गया है, हल्का सा गर्म है, और हम इसको नीट कर लेंगे। थोड़ा सा डो गर्म रहेगा तभी हमें इसे गूंथ लेना है। यहाँ पे मैंने डो को थोड़ा चिकना कर लिया है। अब हम यहाँ पे एक चकला ले लेंगे, और चकले पे ही हम पीठा को बनाएंगे। तो डो को और थोड़ा हम चिकना कर लेंगे। पानी की क्वांटिटी यहाँ पे हमें सही रखना है, नहीं तो डो बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा, तब भी पीठा बनाने में बहुत दिक्कत होगी, और हार्ड हो जाएगा तब भी फट जाएंगे। और अब हम इसको ऐसे चकले में लंबा कर लेंगे। डो हाथों में चिपक रहा हो तो आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसके पोर्शन निकाल लेंगे, जितने साइज़ के आपको पीठा बनाने हैं, ये देखिए ऐसे। डो के सारे पोर्शन से हम बॉल बना के तैयार कर लेंगे ऐसे। यहाँ पे मैंने सब कुछ ले लिया है। चकले में हम 1/2 टीस्पून जितना ऑयल लगाएंगे, और अच्छे से ग्रीस कर लेंगे चकले को, और डो को भी हम ग्रीस कर लेंगे, जिससे कि ये चिपकेगा नहीं। और हाथों की मदद से हम इसको ऐसे फैलाएंगे, हल्के हाथों से सभी तरफ से हम इसको बराबर कर लेंगे, जिससे कि कहीं मोटा कहीं पतला ना रहे। और ये देखिए यहाँ पे ये रेडी है पीठा बनाने के लिए। तो हम इसमें स्टफिंग रखेंगे, 1 से 1.5 चम्मच जितना हम स्टफिंग रखेंगे इसमें, बहुत ज़्यादा रखेंगे तो फट जाएगा। स्टफिंग को हम बीच में कर लेंगे ऐसे। इसके ऊपर थोड़ा सा जगह बना के हम केला कटा हुआ रख देंगे, और इसको अब सावधानी से ऐसे केले के ऊपर ऐसे चिपका देंगे डो को। चारों तरफ से हमें इसे डो को लेते हुए ऐसे चिपका लेना है। इस प्रोसेस को थोड़ा सा सावधानी से करेंगे। डो अगर नहीं निकल रहा हो तो आप चाकू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और चारों तरफ से हम इसको ऐसे सील कर लेंगे, जिससे कि ये खुलेगा नहीं। और यहाँ पे हमारा एक पीठा बन के रेडी है, ये देखिए कहीं से भी फटा नहीं है, क्योंकि हमारा डो परफेक्ट था। अब हम एक छलनी ले लेंगे, जिसमें हमको स्टीम करना है, और उसे हम ग्रीस कर लेंगे, और इसी में हम डायरेक्ट रख देंगे, जिससे कि बर्तन ज़्यादा ख़राब नहीं होंगे। सेम प्रोसेस से हम बाकी सारे पीठा को बना के तैयार कर लेंगे। अब हम चलते हैं स्टीम करने की तरफ। तो पहले से ही मैंने पानी को गर्म करने के लिए रख दिया था, और मीडियम फ्लेम में ही हम इनको स्टीम करेंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट बाद हम चेक कर लेते हैं पीठा को, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पीठा रेडी है, इसमें साइन आ गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे। थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो अब हम इसको कट करके देख लेते हैं। तो बनाना जो हमने बीच में रखा था वो बहुत ही अच्छा दिख रहा है, और टेस्टी भी बहुत बना था। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।